हम प्रचार प्रसार में नहीं विश्वास करते, बहुत लोग काम हम करे रहे और प्रचार प्रसार जब खुले में शौच करे रहे और पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिला तो अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। अरे भाई जी अलग से भी हम लोग पढ़ते आज आपके आए हुए कार्यक्रम आपका अभिनंदन करने आया है, आपको हमसे यहाँ मांग करने की जरूरत है, आप मिल करके कोई बात करिएगा, हमसे कोई सब नहीं है कि भाई जरा ये बोल रहे हैं इस पर थोड़ा ध्यान दें, इसलिए सब बात आप करिए, हमसे जितना संभव होगा आपकी मदद करें। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, संबोधन कर रहे थे आईएमए के एनुअल फंक्शन में। वहां पर नए अध्यक्ष चुने गए आईएमए के सहजानंद प्रसाद सिंह, तो वहां पर बिहार सरकार के मंत्री भी मौजूद थे, जो सेक्रेटरी थे वह भी मौजूद थे, और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधन करते हुए कई बातें की। उसमें उन्होंने जुड़ाया कि किस प्रकार से बिहार में डेवलपमेंट की सीमा रेखाएं खींची गई है, ऐसे तमाम बातें अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी जुड़ाते हुए नजर आए, और साथ ही जो अभी इलेक्ट हुए हैं आईएमए के अध्यक्ष चुने गए हैं वह भी नीतीश कुमार के तारीफ के कसीदे गढ़ते हुए नजर आए, और जो मंच पर तमाम प्रकार की बातें कर रहे थे वह भी, वो तमाम बातें हम सुनेंगे इस वीडियो में। उससे पहले बता देते हैं कि साथ ही शराबबंदी को लेकर भी नीतीश कुमार ने इसमें बात की है, शौचालय को लेकर भी बात की है, शुद्ध जल को भी लेकर बात की है। 20 से 22 मिनट का वीडियो है, आप देखेंगे कि क्या कुछ नीतीश कुमार कह रहे हैं, ऐसी तमाम बातें आप इस वीडियो में अभी सुनेंगे। अपने 96 वार्षिक अधिवेशन में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो जब बिहार का कार्यभार आंदोलन संभाला था 2005 में और 2006 में, अनवरत चिकित्सकों की सभाओं में उनके विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मुझको मिलता था। कई साल हम इस काम को करते रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के कार्यालय में रहने का मौका नहीं मिला, और पिछले 2 साल से जो कोरोना का दौर चला है उसमें विचित्र स्थिति, लेकिन इस कोरोना से लोगों को मुक्ति दिलाने में जो आप सब चिकित्सक कर्मी डॉक्टर्स की जो भूमिका है, इसके लिए मैं आपका विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूँ। किस तरह करो 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 पूरे देश में सारा काम, दुनिया में सारा काम, और पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की, यहाँ पर पिछले साल इसकी शुरुआत हुई तो हम लोगों ने भी कुछ खास डॉक्टर्स के साथ अहम मीटिंग की कि भाई के साथ सलाह लीजिए, बताइए क्या किया जाना चाहिए, और आप लोगों ने काम किया, लोगों को किस ढंग से राहत दी, क्या उस समय के माहौल पर उसके साथ बन गया क्या चाहिए, और उसका एक राउंड हमने जिस तरह से आपने क्या नाम किया, उसके बाद फिर दूसरा राउंड शुरू हुआ, वो पहले राउंड से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था, लेकिन आप लोगों ने जितनी भी चिकित्सा और खास करके जो गौर में लोगों की चिकित्सा करते हुए उस डॉक्टर बिहार में भी और दूसरे जगहों पर भी वो इसकी शिकार है, वो आप सोच लीजिए कि किस प्रकार से लोगों की सेवा करते रहे, लोगों का किस तरह से कोशिश करते रहे इसकी निदान हो जाए, तो हर तरह से आपने जो काम किया है और इसके लिए जो सब कुछ क्या मेडिसिन इंक्लूड होगा और किस प्रकार से फिर इसके लिए जो आप लोगों ने वैक्सीनेशन के बारे में समझा जो बिहार में भी पूरे तौर पर रिसर्च करके बनाया है और उसके बाद टीकाकरण का काम शुरू हुआ, यह तो हो ही रहा है, और अब तो दुनिया में और कई दौर और बिहार में भी दूसरे दौर की शुरुआत हो गई है, और उसके लिए सब तरह की आपकी तैयारी है, और यहाँ पर भी सरकार के स्तर पर है और राज्य सरकार के हम लोगों का इसके अनुरूप निर्णय है कि कैसे हम लोगों की मदद करें, किस तरह से अस्पतालों को चलाएं और कैसे लोगों को हम राहत पहुंचाएं, ये सब तो काम किया जा रहा है। अभी तो कोई जानता भी नहीं ये कोरोना का जो COVID-19 कह रहे हैं कि COVID-19 से शुरू हुई, हम लोग तो जाने 19 तो जानते भी नहीं, 20 का शुरू हुआ, 20 से ही शुरू हुआ, तो 20 से ही शुरू हुआ, जब मालूम हुआ उसके बाद से ही अचानक जिसके बारे में कि COVID-19 का जो दौर चल रहा है और कैसी स्थिति में कितने बार लोगों को सवारी मिल रही है अलग अलग जगहों पर, तो लोगों को जागरूक करने के लिए जो प्रयास किया जाता है ये सब काम हो रहा है,
को जो केंद्र शासन के लोग हैं, चिकित्सक हैं, सबको करते हैं। सबसे बड़ी भूमिका का भाई आप लोगों की है, बाकी बीमारियों से भी लोगों को बचाते हैं। इसीलिए तो आपका क्या सम्मान है, डॉक्टर को जैसे लोग भगवान की प्रार्थना करता है वैसे लोग डॉक्टर के बारे में सोचता है। यही हमारों की जान बचाया है, कितनी इज्जत है चिकित्सकों और चिकित्सकों के बारे में हम लोगों को जो भी संभव है, जब भी काम करने का मौका मिला है हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। और यहाँ पर तो जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो उस समय स्थिति क्या था बिहार, अभी बता रहे थे राजा के राजी में क्या हाल था पहले बिहार में। जब हम लोगों को 24 नवंबर 2005 काम करने का मौका मिला तो हमने सबसे पहले पूजा का पूरा सर्वेक्षण कराया और फरवरी 2006 में रिपोर्ट आई। और आप जानते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उन सभी जगहों पर एक महीने में औसतन 39 लोग एक महीने में जाते थे इलाज कराने, यानी एक दिन में एक या दो। ये हालत था, क्या हालत था। अब यहीं पर तो राजीव रंजन जी का भाषण चल रहा था, क्या हाल था उन्होंने। और कितने डॉक्टर्स को यहाँ छोड़ छोड़ करके बिहार से भागना पड़ा था, क्या स्थिति हो गई थी। और कोई तरह का इंतजाम उस तरह का नहीं था तो होना चाहिए था। जब ये हालत था अस्पतालों की कैसी हालत थी, कहाँ पर कितना काम हो पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो आप समझ रहे हैं। और जिस तरह से डॉक्टर्स थे और उनके सहयोगी चिकित्सक लोगों के साथ काम करने वाले सब लोगों ने कितना मेहनत किया जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और आप जानते हैं कि लोग कितना लोगों का इलाज कर रहे हैं। अभी 2 साल से कोरोना का डर आया है, दूसरी स्थिति अस्पतालों को उस तरह से जिस तरह से पहले चल रहा था उसमें कई तरह के बीच बीच में तरह का व्यवधान आता है। लेकिन आप पूरा सोच लीजिए कि 2019 तक की क्या हालत और 2019 का जो फिगर आया है, जगह एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में 10,000 मरीजों का इलाज होता है औसत बिहार में। यानी एक दिन में औसत समझिए 300 लोग जा रहे हैं। तो जो हालत था यानी डॉक्टर्स की कितनी बड़ी भूमिका है। राज्य सरकार की तरफ से विद्युत भी किया और भी चिकित्सकों की नियुक्ति ये सब काम किया गया। और पहले एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं, जो काम हम लोगों ने किया तो जो शुरुआती तौर पर काम किया तो हुआ कि भाई लोगों का इलाज ही सिर्फ नहीं कराना पड़ेगा, लोगों के लिए दवा का प्रबंध करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो सोच लीजिए कि रिपोर्ट तो पूरी आ गई, पूरा सर्वेक्षण कराया आपको लोग बताया फरवरी 2006 तक की बात। और उसके बाद जो सारा काम किया गया और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि लोगों को दवा उपलब्ध कराएंगे और राज्य सरकार अपनी तरफ से दवा उपलब्ध कराएगी। इसकी शुरुआत हम लोगों ने अगस्त 2006 में किया है। और आप जानते हैं इसके लिए हम लोगों ने जो उसकी शुरुआत कराई अगस्त महीने में, इसके लिए विशेष तौर पर हमने उस समय के देश के आदरणीय राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी को आमंत्रित किया। और यही पटना से इसकी हम लोगों ने शुरुआत करा। और आप समझिए उसके बाद से और दवाओं का प्रबंध बढ़ता गया। अब हम लोग तो कर रहे हैं 2006 से। एक बात आप लोगों को भी याद करा देते हैं, 2013 उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर गुलाम नबी आजाद, हम लोगों को तो उन्होंने हमको फोन किया। अरे आप जानते हैं कि यहाँ पर लोग राजस्थान में दवा का इंतजाम कर दिया गया है तो जरा आप भी सोचिए दवा का इंतजाम किया जब 13 की बात बता रहा है तो उनसे बात करते हुए हमको हंसी आ गई। हंसते हुए हमने कहा कि आप एक राज्य का जान रहे हैं और बिहार का जान रहे हैं कि हम लोगों ने 2006 से मुफ्त दवा का इंतजाम कराया है। आप देश के कोने कोने से आए आज हम इसकी भी चर्चा कर सकते हैं। भाई हम लोग जो है काम करते हैं उसके बारे में बिहार कल्चर बाहर कल्चर काफी है। हम प्रचार प्रसार में नहीं विश्वास करते, बहुत लोग काम हम करेंगे और प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं।
कि क्या कम हम पर है, नहीं ये बड़ा बात है। और ताला मैं चाहता हूं इसलिए पता नहीं आप सोच लीजिए, इतने दिनों तक में नहीं पता था उस समय में केंद्र सरकार को कि हम लोग उन सब पर दबाव लगा रहा है, तो आप सोच सकते हैं। और इसके बाद से निरंतर हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो कौन कौन काम हम लोगों ने पूरे तौर पर सब घटक इलाज के लिए और कितना का लगे हैं, हॉस्पिटल कितना बनवाया है, मेडिकल कॉलेज 6 मेडिकल कॉलेज था, 2 प्राइवेट था, हम लोगों ने उसको भी बढ़ाया है, 3 नए मेडिकल कॉलेज और स्थापित कर लिए, काम शुरू हो गया है। और वो जो था क्या एम्स का सुभाष भवन हृदय अटल गांधी इसका निर्णय किया और उसके बाद से काम होना शुरू हुआ था, तो एम्स की हमें काम होना जा रहा था, उसके लिए कौन सा नहीं है, हर 5-6 महीने का बजट अटल देखते थे कि तेजी से एम्स का काम पूरा हो जाए और काम फंक्शनल हो जाए, तो ये तो हो ही गया। और IGIS जो बिहार में पहले से था, जब हम लोग आए थे IGIS में क्या पूरा हाल था, अब कितने लोग वहां जा पा रहे थे, इलाज कहाँ हो रहा था, बेचारे डॉक्टर लोग वहां रहते थे उसके बगल में अगल में कौन कौन बड़े लोग घूमता था, कितना लोग परेशान होते थे, किस किस तरह से बात आते थे। और उसी तरह से IGIS का भी हम लोगों ने किस तरह से विकास किया गया, अब IGIS को हम लोगों ने कर दिया है कि 2500 बेड होगा, कई तरह का काम वहां पर शुरू हो गया, कैंसर से लेकर के हर तरह के लिए बहुत तरह का काम शुरू हो गया और एम्स का काम शुरू हो गया। और किस तरह से दोनों जगह पर अगले जगह पर भी और जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उन सभी जगहों पर अब चिकित्सक इतना अच्छा काम कर रहे हैं और जो भी राज्य सरकार का जरूरत है उसमें संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं और अगले तौर पर अब जो काम हो रहा है, अब तो आप ध्यान रख रहे कि और भी गए 11 अन्य मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम चल रहा है। अब आप सोच सकते हैं प्राइवेट भी और हो गया, 5 के प्राइवेट भी अब चल रहा है, तो हर प्रकार से उतना ज्यादा लोगों के ट्रीटमेंट के लिए और मेडिकल कॉलेज बने हैं, तो हर इस क्षेत्र में जो भी संभव हो जिस तरह से लोगों को काम करने में सहूलियत हो वो सब के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। और आप लोगों पर भी सबको भरोसा है, तो आप लोग तो आज यहाँ पर कर रहे हैं और हमारे बिहार के अब डॉक्टर साहब को जो फिर से मौका मिल गया है सफदरजंग बाबा को, तो अब ये काम करेंगे। अब आपको बात पहुंचे थे हम आपको पूरे तौर पर बता देते हैं कि अब हम लोग इतना ज्यादा कर रहे हैं। अब आपको मालूम है कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तो बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, और जब हम लोग पटना इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे साथी को इंजीनियरिंग लग गया मेडिकल कैसे और हम लोग तो बराबर सब अपने दोस्तों से मिलते रहता घर लेते थे। उस समय भी जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे पुरानी बात है जो हालत थी पीएमसीएच की दूसरे राज्यों के और यहाँ तक कि नेपाल से कितनी बड़ी संख्या में लोग आता थे इलाज के लिए, अब बीच में जो इधर उधर हो गया अब उसके बाद हम लोगों ने क्या तय किया कि भाई ठीक है IGIS तो हम लोग बिल्कुल विस्तार कर ही रहे हैं, दूसरे जगह नौकरी में, तो अब उसके बाद जिस तरह से IGIS में अब दूसरे जगह से लोग आ रहे हैं जो यहाँ के लोग पढ़ करके बाहर चले जाते थे या दूसरे राज्य के लोग बड़ी बड़ी संख्या में आ जाते थे, वही आ रहा है। लेकिन पीएमसीएच के बारे में हम लोगों ने क्या निर्णय लिया, पीएमसीएच के बारे में हम लोगों ने शुरू से निर्णय लिया कि पीएमसीएच को हम अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएंगे इंटरनेशनल, और इतना इतना बड़ा गेट 1400 से ज्यादा बेड का हम लोगों ने इंतजाम किया है, 3 फेज में काम शुरू हो गया है और 3 फेज में 4 साल का काम पूरा करेंगे, 1400 से ज्यादा बेड का वहां पर लोड पड़ता है, इसी के हिसाब से डॉक्टर और अन्य चिकित्सक लोगों की बहाली और एक एक किस तरह का बिल्डिंग बन रहा है,
बनकर के तैयार होगा का देखिएगा, आपको ऐसा मेडिकल कॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। हमारे सब अधिकारी एक एक चीज को बराबर पालना करते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो, तो पीएमसी कैसा समझिए और अन्य दो जगह पर भी और हम लोग इस काम को करने वाले हैं। भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में और गया, इन सभी जगहों पर भी हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाने हैं। सब लोगों को भी 2500 बेड का बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और हम सब कितना जब जनता क्या क्या तीन दूसरा आएगा तो हमने क्या कहा, हमने क्या मतलब मांग करते रहता था, यह समझ गया यह समझ गया, लेकिन हम कहीं भी जाना थे हम करते थे। देखिए अगर एक पटना में बना है तो दूसरा यही दरभंगा में बनेगा, क्योंकि बिहार है सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बना पटना में और दूसरा मेडिकल कॉलेज बना दरभंगा में। गंगा नदी के दक्षिण बन गया है और गंगा नदी के ऊपर बनना है तो दरभंगा में बनेगा। अभी क्या करके भी हम लोग देख लिया है, जमीन वगैरह देने का एक एक चीज उसको देख रहे हैं और वहां भी नहीं। तो भाई देखिए हम लोगों से जितना संभव उतना ही हर प्रकार से हम लोग निरंतर काम करते रहते हैं और अपने सभी लोगों को यह आश्वस्त करेंगे कि कहीं से भी कोई खबर हम लोगों को मिली है कि आपके हित में कोई काम होना चाहिए तो हमारा पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आप समझिए कैसे हैं नीतीश जी, इसलिए आप सब लोग जो आए हैं बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपको आश्वस्त कर सकते हैं नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरे विकास एरिया है बिहार का। अगर देश में बीजेपी का सारे राज्यों में तो 12वें नंबर पर इसका इलाका क्षेत्रफल, लेकिन आबादी को देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पर, अब पता नहीं तीसरे नंबर पर रहेगा कि तीसरे नंबर पर आएगा। ये हालत है, क्या हालत है तो यहाँ पर है और इंडिया के अंदर एक स्क्वायर किलोमीटर में जितनी आबादी बिहार में है उतनी आबादी दुनिया के जो शहरी इलाका वाला का जो राज्य है देश है उसको छोड़ दीजिए तो कहीं भी नहीं है, देश में तो कहीं नहीं है, दुनिया में भी कहीं नहीं है एक स्क्वायर किलोमीटर की आबादी। और हम लोग तो विकास का काम करते केंद्र का भी सहयोग है उसी से हम लोग कहीं रहे, लेकिन साथ साथ लोगों के चिकित्सा का प्रवेश द्वार पर प्रबंध हो, आपको डॉक्टर साहब लोग हैं सब लोगों को निश्चित रूप से दस इलाज के लिए लोगों को जरूर खास करिए नीतीश जी हो गया लोगों को निश्चित रूप से जब आप लोग मीटिंग करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को सलाह देते होंगे कि भैया अपने स्वास्थ्य अनुज में हाथ दुख रहा है गड़बड़ काम करोगे स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं। हम लोगों ने नशा बंदी की लागू किया है, इसलिए लागू किया है कि दारू पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां आती है और जब हम लोग आते थे स्टैंड लगा रहता ना था वहां पे, लेकिन जब आ गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पैनल जो है वो दारू नजर नहीं पता हो गया कि हर साल 30 लाख आदमी पूरे दुनिया में दारू बंद दारू से मर रहा है और कितना डेथ होता है पूरी दुनिया में उसका 5.3% सिर्फ दारू पीने के कारण होता है, उम्र के हिसाब से नहीं है। और 20 साल से लेकर के 39 साल तक के जो लोग दारू पीते हैं उनकी मौत दुनिया भर में 13.5% है। एक एक चीज के बारे में और कितनी बीमारियों के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट की है 200 तरह की बीमारियां पैदा होती है दारू पीने से। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं अब आप लोगों को आग्रह किया था तो बहुत लोग जो करता था कि अरे भाई कुछ लोगों को कोई इलाज जो करता है दारू पीता है उसके टेस्ट के लिए
स्वास्थ्य के लिए बड़ा जरूरी है, हमने कहा इससे फोकस पर कोई बात ही नहीं। और जितने लोगों पर हमारे डॉक्टर्स ने उनको सलाह देने करके यहाँ कोविड सेंटर खोला गया कि मत कीजिए, आपके स्वास्थ्य पर असर नहीं और स्वास्थ्य पर फायदा नहीं। यही बात कर रहे हैं और आप लोग जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनसे उनसे इस बात को लोगों ने कहा कि भाई अगर कोरोना का इलाका है तो अगर दूसरा इलाका रहना चाहिए तो जो स्वास्थ्य पर असर होता है कि लोगों को दो चीज अब अपन वगैरह लोगों को कहिए डाटा तो बोलते रहते हैं, आप मुझे व्यक्तिगत बात को शेयर करना चाहते हैं कि हम लोग शुरू से जरूर बताते हैं कोई खुले में शौच करे और पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी और 90% जितने तरह की बीमारियां होती है 90% शिकार होता है सिर्फ इसलिए कि खुले में खाना करता है शौच करता है और पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं। तो हम लोगों ने क्या करवा दिया, अब तो पूरे देश में हो गया, पूरे देश में हो गया शौचालय के अंदर पाना। हम लोगों ने बिहार में भी प्रारंभ किया शौचालय के अंदर पाना पूरा और हर घर नल का जल हम लोगों ने पहुंचवा दिया है ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। शौचालय में लेते हैं हम लोग रोके रहते हैं, अगर ये बात सही हो तो कृपा करके आप भी पटना में हम आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और हम जुड़ करके सारे लोगों को जो सेवा करते हैं आज आप लोगों को बातें अरे भाई जी अलग से हम लोग पढ़ते आज आपके आए कार्यक्रम आपका अभिनंदन करने आया है, आपको हमसे यहाँ मांग करने की जरूरत है, आप मिल करके कोई बात करिएगा, हमको जो भी संभव है हम भी आराम करेंगे और हमको बात भी करेंगे। मुझे पांडे जी को क्यों कहता हूँ सब प्रदर्शन को और तुरंत अपने स्टाफ को भी भेज दिया कि भाई जरा ये बोल रहे हैं इस पर तुरंत ध्यान है, इसलिए सब बात आप करिए हमसे जितना संभव होगा आपकी मदद करेंगे। सहजानंद जी बिहार बनाइए और समाज आगे बढ़ाइए बेहतर बनाइए यही आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका चरण स्पर्श करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपके कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी झकास भारत को इंटरव्यू आप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने जो हौसला अफजाई की है हमारी, हम तो कहते हैं कि हम लोगों की